और माफियाओं को ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं, कोई अतीक अहमद को ज्वाइन कराने की बात करता है, कोई मुख्तार अंसारी को ज्वाइन कराने की बात करता है, तो कोई काला मुमीन को ज्वाइन कराने की बात करता है और कोई राजा भैया को ज्वाइन कराने की बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों और अपराधियों को समूल नाश करने का काम करती है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा राजा भैया को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रयागराज में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। कैबिनेट मंत्री नंदी के बयान को लेकर राजा भैया के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान राजा भैया और नंद गोपाल नंदी के समर्थकों आमने सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई भी हुई है। भारी हंगामे की सूचना मिलने ही पहुंचते ही जैसे ही मिलते ही पुलिस भारी भरकम पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्षों के समर्थकों को काबू करने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल कौशाम्बी से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने राजा भैया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को लेकर बयान दिया था। नंद गोपाल नंदी ने कार्यक्रम के दौरान बोल दिया कि चुनाव आ गए हैं तो कुछ लोग अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और राजा भैया को अपने दल में शामिल कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसे अपराधियों और गुंडों पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल राजा भैया के समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन जिस तरीके से नंद गोपाल नंदी ने स्टेटमेंट दिया है अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही अब उनके समर्थकों ने आरपार